पहले चाय का सेवन करते हैं। चाय का सेवन अब सबसे गलत काम जो आप दिन भर का कर सकते हैं वो है ये चाय का सेवन, जो कि सुबह सुबह उठते ही चाय पहले तो पीनी नहीं चाहिए। चाय उच्च रक्तचाप को बढ़ाने का काम करती है। चाय पहले से ही गर्म होती है। रात में हम पूरी रात हमने बहुत टाइम तक कुछ नहीं खाया, हमने रात को 10 बजे या 9 बजे हम रात को खाना लेकर के सोए थे और फिर उसके बाद से हमने कुछ नहीं खाया। शरीर उपवास पे था रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6-7 बजे तक शरीर पूरा उपवास पे था। इसीलिए उस उपवास को तोड़ने के लिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम उपवास को ब्रेक करते हैं। पर उस फास्ट को ब्रेक कैसे किया जाए, कुछ अच्छी चीजों से किया जाए या बुरी चीजों से किया जाए, फलों से किया जाए या चाय से किया जाए। खाली पेट में पित्त बनता है, पित्त आप समझते हैं एसिडिटी बनती है खाली पेट में। पेट एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें अम्लता बढ़ती है। पित्त सिर्फ और सिर्फ पेट में होता है, सारी बीमारियों का कारण पित्त होता है। जब चाय जो कि पित्त को बढ़ाने का काम करती है और पित्त पहले से ही पेट में बढ़ा हुआ है इस समय पर, जब आप सो करके उठे हैं तो आपको बीमारियां और चार गुनी आएंगी ही अगर आपने सुबह उठते ही चाय का सेवन किया। अब आपकी शिकायत ये आती है कि चाय छोड़ी नहीं जाती, तो चाय को छोड़ने का तरीका बड़ा सिंपल था कि चाय में क्या क्या डालते हैं। चाय पत्ती डलती है, दूध डलता है, चीनी डलती है, पानी डलता है, चार मुख्य घटक है चाय के। तो मेरी सलाह मानिए कि चाय को छोड़ने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले से उसमें दूध घटा दीजिए, जो उसका एक घटक है दूध। आप बिना दूध की चाय लेना शुरू करें। मैं आपको धीरे धीरे कोई चीज को छोड़ने का तरीका बताना चाहता हूँ। एकदम से अगर आप कुछ भी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा, दिमाग नहीं समझ पाता एकदम से हमें बदलाव होगा अपनी जिंदगी में। आप चार दिन तक चाय छोड़ भी देंगे, मैं कहूँगा चाय छोड़ना ठीक एकदम से छूट पर आ जाइए तो नहीं हो पाएगा। आप पांचवें दिन से दसवें दिन से फिर से चाय पर आ जाएंगे और फिर अगली बार चाय को छोड़ना उससे भी ज्यादा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो चाय में से दूध को घटा दीजिए धीरे धीरे और कम से कम एक हफ्ते तक या 10 दिन तक बिना दूध की चाय आप लीजिए। फिर 10वें दिन के बाद आपको जब बिना दूध की चाय पीने की आदत पड़ जाए, आप उसमें से अपनी टाटा टी हटा करके कुछ दालचीनी जैसे घटक, कुछ सौंफ जैसे घटक और कुछ ऐसे अन्य घटक जो कि आपकी हर्बल टी घर में ही बना दें आपके लिए, बाजार से खरीदी हुई हर्बल टी नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ घटक जो आपके घर की ही हर्बल टी आपके लिए बनाकर दे दें, ऐसे कुछ घटक चाय पत्ती की जगह पर, क्योंकि चाय पत्ती में निकोटीन मौजूद है जो कि आपको अपना आदि बनाता है, जो कि आपको चाय पत्ती के प्रति अपने आप को एडिक्टिव बनाता है, जिसके छोड़ने के कारण आपको सर में दर्द होने लगता है। चाय पत्ती धीरे धीरे उसमें से कम कीजिए। अपने आप को धीरे धीरे कम से कम ओवर द टाइम ऑफ 2 महीने या फिर 3 महीने के पीरियड में अपनी चाय को इस तरीके से घटा दीजिए कि आप सिर्फ एक गर्म पानी पर अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पर। अगर आप उबलता पानी भी लेंगे सुबह चाय की जगह हाथ में तो वो भी आपका चाय का काम ही करेगा। कुछ लोगों की शिकायत होती है मैं फिर साफ नहीं होता सुबह सुबह बिना चाय पी, मतलब वॉशरूम जाना ही मुश्किल है, अगर चाय नहीं पी तो पेट साफ नहीं होगा। सिर्फ गर्म पानी का सेवन कीजिए, उबलते पानी का सेवन कीजिए। उबलता पानी जब आपका थोड़ा सा ड्यूब फॉर्म रह जाए तब उसका सेवन कर लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। Thank you.